सबको पता है इन चीजों का. तो सबको पता है कि दरख्तों का क्या कितनी जरूरत है पाकिस्तान को. आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान किधर है? सेवंथ, जो सबसे मुतासर होने वाले मुल्क हैं उसमें से पाकिस्तान 7 नंबर पे. उससे क्या होगा? नहीं, उससे ये होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएंगे बारिशें कम होंगी. हमारे जो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, हमारा जो ज्यादातर पानी दरियाओं में आता है वो ग्लेशियर से आता है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे. वो पिघलेंगे, आखिर में फिर पानी कम दरियाओं में इतना हो जाएगा कि हम फ्लड्स भी बढ़ जाएंगे. और सी लेवल वो हमें इतना इफेक्ट नहीं करता जितना हमें ये इफेक्ट करता है कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, दरियाओं में पानी कम होगा और हमारा जो सारा मुल्क डिपेंड करता है दरियाओं के ऊपर और एग्रीकल्चर पे वो मुतासर होगा. इसलिए ये दरख्त उगाना बहुत जरूरी है. और क्या करते हैं दरख्त? ऑक्सीजन देते हैं और वो क्या करती है? वो पोल्यूशन को अब्सॉर्ब करती है. जो ये गाड़ियों की पोल्यूशन होती है ना ये हवा में, तो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती है. चले जी, ओके.